जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर योगा टेक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आईसीएल टेक्निकल अटेंडेंट के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले मोटर मैकेनिकल के मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो अब भी मोटर मैकेनिकल के टेक्निकल एग्जाम में काफ़ी कवर जो यहाँ पे पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर का स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो देखिए, आज का मैं आपको पॉइंट कुल मिलाकर मान लीजिए 50 पॉइंट यहाँ पे मैं पे लाया हूँ, तो सभी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी स्टेप बाय स्टेप इनको देखते हैं। तो देखिए, हवा के प्रभाव से हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक नहीं लगते। देखिए, जब भी हवा का प्रभाव होता है तो जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगता है। देखिए, कार्बोरेटर में क्या क्या होता है, तो देखिए कार्बोरेटर में देखिए चोक वाल होता है, फ्लोट चैम्बर होता है और एक्सीलरेटिंग पंप, ये मुख्य भाग होते हैं आपके कार्बोरेटर के। गियर के पिच वृत्त से जड़ व्यास के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डिडेनम, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम मैं पूरा एक मान लीजिए कि एक सेंटेंस की तरह इसको लिखा हो, ठीक है, क्वेश्चन की तरह नहीं लिखा हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, गियर के पिच वृत्त से जड़ के व्यास के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं डिडेनम। तो अगला देखते, मैकेनिकल फ्यूल पंप इंजन ब्लॉक के बाहर लगा होता है। देखिए, जो आपका मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है तो वो कहाँ पे लगा होता है, आपके इंजन ब्लॉक जो होता है उसके बाहर वो लगाते हैं। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन 0.8 से कितना 15% तक होता है, ठीक है। जो भी आपका उच्च कार्बन इस्पात होता है, ठीक है, तो उसमें 0.8 से 15% तक क्या होता है, कार्बन होता है। बैटरी वाटर में 40% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखिए, जो बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी आपको पता भी होगा, ठीक है, बैटरी में क्या होता है, लगभग देखिए 40% वाटर में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे मिक्स रहता है। शोर कम से कम रखने के लिए हेलिकल गियर प्रकार के गियर का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब भी हमको शोर कम से कम करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं जो आपका हेलिकल गियर प्रकार का गियर होता है उसका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। हेलिकल गियर में प्रारंभिक संपर्क बिंदु होता है। देखिए, हेलिकल जो आपका गियर होता है, ठीक है, जो हम शोर कम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक क्या होता है, एक संपर्क बिंदु उसमें लगा होता है। इंजेक्टर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। देखिए, जो इंजेक्टर का जो प्रयोग है, ये काफ़ी कबार पूछा जाता है कि इंजेक्टर का प्रयोग किस में किया जाता है। देखिए, चेंडर होता है इंजेक्टर, उसका प्रयोग हम पेट्रोल इंजन में उसका प्रयोग हम करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग होने वाले गियर को क्रोम मैगजीन स्टील धातु के बने होते हैं। देखिए, जो भी आपके ऑटोमोबाइल सेक्शन होता है तो उसमें जो भी गियर हम यूज़ करते हैं तो वो किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं आपके क्रोम मैगजीन स्टील धातु के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्लाई व्हील का कार्य एक चक्कर में अधिक की ऊर्जा उत्पन्न करना है, ठीक है। जो आपका फ्लाई व्हील आपने देखा ही होगा, ठीक है, तो फ्लाई व्हील का कार्य क्या होता है कि एक चक्कर में अधिक की ऊर्जा उत्पन्न करना है, यानी जो इसका एक रोटेशन होता है उसमें मैक्सिमम क्या करना, पावर जनरेट करना। तो देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं, लुब्रिकेशन से इंजन के भाग कम घिसते थे। देखिए, लुब्रिकेशन करते किस लिए, कि जब भी मानो कोई दो पार्ट हो गए, ठीक है, दो पार्ट में क्या हो गया, घर्षण जो है, जो घर्षण होता है उसको क्या कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं। तो लुब्रिकेशन भी हम एक ही तरह उसके भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। लुब्रिकेशन के लिए हम जो पदार्थ यूज़ करते हैं उसके हिसाब से उसके अलग अलग प्रकार गिरते हैं। यंत्र में मापी जा सकने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म माप को हम क्या करते हैं, अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है। अल्पतमांक हम कहते हैं जो भी हम सूक्ष्म से सूक्ष्म माप को अल्पतमांक यहाँ पे कहते हैं। टायर बनाने में रबड़ तथा नायलॉन डोरी का प्रयोग मुख्य रूप से होता था। देखिए, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाते कि जो आपका टायर हम बनाते हैं तो, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग होता है, तो जो आपका रबर और नायलॉन की डोरी, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी हम रबर को एक मान लीजिए टायर को काटते हैं तो उसमें एक धागे जैसी एक संरचना दिखती है, तो वो क्या होती है, एक नायलॉन की वो डोरी होती है। मोटर गाड़ी में ग्रीस व्हील बेयरिंग गियर लीकेज डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाता है। देखिए, जो आपकी मोटर गाड़ी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका ग्रीस व्हील बेयरिंग होता है तो वो कहाँ पे दिया जाता है, गियर लीकेज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे दिया जाता है। पिस्टन का मुख्य कार्य है इंजन के स्ट्रोक कम करना, ठीक है। तो आपको पता भी होगा इंजन स्ट्रोक वाइज इंजन के प्रकार गिरते हैं, ठीक है, टू स्ट्रोक हो गया, थ्री स्ट्रोक, इस तरह से फोर स्ट्रोक हो गया। तो देखिए, जो पिस्टन का कार्य क्या होता है कि इंजन के स्ट्रोक क्या करना, कम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेप टाइप ऑयल पम्प, गियर टाइप ऑयल पम्प, रोटर टाइप ऑयल के प्रकार है। तो देखिए, आपको ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि रोटर टाइप ऑयल के प्रकार कौन कौन से है। तो देखिए, दो इसके प्रकार है, एक है आपके वेप टाइप ऑयल पम्प और एक है गियर टाइप ऑयल पम्प। एक किसके प्रकार है, रोटर टाइप ऑयल के, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए स्पार्क प्लग लगाया जाता है। देखिए, जो आपका पेट्रोल इंजन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चिंगारी अगर उत्पन्न करनी हो तो हम क्या लगाते हैं, एक स्पार्क प्लग लगाते हैं।
ठीक है। तो स्पार्क प्लग लगाते हो तो स्पार्क उत्पन्न कैसे होती है, तो देखिए जो आपका उसमें पेट्रोल होता है, पेट्रोल का मान लो एक ऐसा छिड़का होता है, ठीक है, जो गर्म पार्ट होता है उस पर एक प्रकार का छिड़का होता है, तो वो क्या करता है, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि एक एनर्जी उत्पन्न करता है। कोटर जोड़ में कोटर एक इन 24 टेपर रखा जाता है, ठीक है। तो कोटर जोड़ में जो कोटर है हम क्या इतना रखते हैं, 1 in 24 टेपर रखा जाता है। डीजल इंजन में डीजल कंप्रेसर द्वारा जलता है, तो देखिए जो आपका डीजल इंजन होता है तो उसमें डीजल किसके द्वारा जलता है, तो वो जलता है आपको उसमें एक डीजल कंप्रेसर यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डीजल कंप्रेसर यहाँ पे लगा होता है, इसलिए वो क्या होता है, डीजल इंजन में डीजल उसके द्वारा ही जलता है। प्रति गियर दांत पिच व्यास की लंबाई मॉड्यूल होती है, तो देखिए जो आपकी प्रति गियर दांत पिच यानी जो पर गियर में दांत पिच का जो व्यास होता है कि उसकी लंबाई क्या होती है, तो मॉड्यूल होती है। स्प्रिंग द्वारा चलित घड़ियों में साइक्लॉइड गियर प्रयोग किया जाता है, देखिए जो स्प्रिंग द्वारा घड़ियाँ चलती है, ठीक है, आपने भी देखा होगा कई बार जो स्प्रिंग द्वारा चलने वाली घड़ियाँ होती है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, तो साइक्लॉइड गियर का ही हम यूज़ करते हैं। ब्लोअर टाइप, पिस्टन टाइप, टर्बो टाइप सुपर चार्जर के प्रकार है, ठीक है। तो देखिए कभी कभार पूछ दिया जाता है कि सुपर चार्जर के प्रकार कौन से है, तो देखिए तीन है यहाँ पे दिए हमने, मैंने पूरा यहाँ पे नोट किया हुआ, तो देखिए एक होगा आपका ब्लोअर टाइप, पिस्टन टाइप और तीसरा होगा आपका टर्बो टाइप। तो ये किसके प्रकार है, आपके सुपर चार्जर के प्रकार है। स्पाइरल गियर कम शक्ति प्रकार के पारेषण के लिए उपयोग होते हैं, देखिए अगर कम शक्ति पारेषण के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा गियर होता है, वो कब का स्पाइरल गियर, ठीक है, कम शक्ति प्रकार के पारेषण के लिए वो क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। एक समतल में परस्पर समांतर शाफ्ट को सुपर गियर द्वारा जोड़ा जाता है, देखिए एक समतल अगर समतल में परस्पर समांतर अगर शाफ्ट है, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लीजिए अगर इनको यहाँ पे ऐसे जोड़ना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो सुपर गियर के द्वारा हम इसे जोड़ते हैं। मैकेनिकल ब्रेक में कैम का मुख्य कार्य है, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक में किसका मुख्य कार्य है, तो ये देखिए जो कैंप है इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका यहाँ पे रहती है। गियर के लिए संपर्क अनुपात एक से अधिक होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कभी कभार पूछते हैं कि देखिए जो आपका गियर होता है तो उसके लिए जो आपका संपर्क अनुपात कितना होता है, एक से कम होता है, एक के बराबर होता है या फिर एक से अधिक होता है, तो देखिए ये जो इसका संपर्क अनुपात होता है, ठीक है, यानी इसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है, यानी एक से यहाँ पे अधिक होता है, तो देखिए एक से अधिक। हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में जनरल व बेरिंग के बीच लुब्रिकेट की मोटी परत होती है, ठीक है, जो आपका हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में क्या होता है, एक जनरल और बेरिंग के बीच क्या होते हैं, लुब्रिकेट की मोटी परत होती है जिससे वो घसे नहीं। गियर बॉक्स के प्रयोग से गियर लीवरेज प्राप्त होते हैं, ठीक है, जब आपको पता होगा जो गियर बॉक्स होता है एक, ठीक है, गियर बॉक्स के प्रयोग से क्या होता है, जो आपका गियर लीवरेज होता है वो हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, गियर लीवरेज। रेलवे ट्रेनों में शू ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ये भी पूछा जाता है कि जो रेलवे होता है, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, देखिए एक तो एयर ब्रेक भी उसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, एयर ब्रेक, और साथ ही देखिए जो रेलवे ट्रेनों में शू ब्रेक का भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शू ब्रेक का। कंबस्चन चेंबर में सिलेंडर हेड में होता है, ठीक है, कंबस्चन चेंबर जो होता है उसमें क्या होता है, सिलेंडर हेड में होता है यानी ऊपर होता है। बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व यानी हमें ये क्या पूछा गया है, तो जो बैटरी है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बतानी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कितनी होती है बैटरी की, तो होती है आपकी 1.280, ठीक है, यानी 1.280 होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटर तथा खाचे में टेपर एक सिरे पर दिया जाता है, ठीक है, जो कोटर और जो खाचे होते हैं तो उसमें क्या होता है, टेपर क्या होता है, एक ही सिरे पर हम यूज़ करते हैं, दो सिरे पर नहीं लगाते, ठीक है, सिर्फ एक ही सिरे पर, यहाँ पे देखिए एक ही सिरे पर दिया जाता है। गियर ट्रेन का ट्रेन मान गियर ट्रेन के वेगानुपात का विलोमानुपात होता है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो गियर ट्रेन का ट्रेन मान होता है वो क्या होता है, आपके गियर ट्रेन के वेगानुपात यानी उसकी जो वेलोसिटी होती है उसके विलोमानुपात होता है, ठीक है, गियर ट्रेन का ट्रेन मान हम बोल सकते हैं, जो आपका गियर ट्रेन है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी का वेलोसिटी के क्या होता है, विलोमानुपात होता है, 1/वेलोसिटी इस तरह से होता है, यानी तो ये भी आप याद रखें। ये अगला पॉइंट देखते हैं, इंजन ऑयल भरने वाला भाग ऑयल पंप कहलाता है, देखिए जो इंजन आपने देखा होगा अगर ट्रेन का कभी देखा होगा तो मैंने यहाँ पे इंजन पे भी कई बार यहाँ पे
विजिट किया था, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में आपको एक बार रिकवर बता देता हूँ। देखे जो ऑयल इंजन भरने वाला ऑयल होता है उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे ऑयल पम्प कहते हैं। तो देखे जो आपका ऑयल इंजन होता है, ठीक है, ऑयल इंजन में हम क्या करते हैं, तो एक मोटर होता है, ठीक है, तो मोटर से तो हम एक उसमें देखे ऑयल फिल कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, तो वो तो मोटर का अलग कार्य हो गया, लेकिन जिससे हम भरते हैं, ठीक है, यानी जिसके द्वारा हम उसके अंदर वो ऑयल डालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल पम्प बोलते हैं। सक्शन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाला स्ट्रोक है। तो देखिए जो आपका सक्शन स्ट्रोक हो गया, आपका पावर स्ट्रोक हो गया और कंप्रेशन स्ट्रोक, ये तीनों भी क्या है, आपके जो इंजन साइकिल चलती रहती है, ठीक है, इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाले स्ट्रोक है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इंजन साइकिल ऐसे स्ट्रोक वाइज ही चलती है, ठीक है, तो उसमें जैसे कि एक मान लीजिए फ्यूल का क्या होता है, छिड़का होता है उस तरह से। टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व के साथ पर पोर्ट प्रयोग होता है, ठीक है, जो आपका टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्या होता है, वाल्व के साथ स्थान पर क्या हम यूज़ करते हैं, वाल्व नहीं यूज़ करते, बल्कि उसके स्थान पर हम क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, पोर्ट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। मोटर कार में आंतरिक प्रसार ब्रेक प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जो आपकी मोटर कार होती है तो उसमें कौन सा ब्रेक हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें करते हैं हम जो आपका आंतरिक प्रसार ब्रेक, ठीक है, आंतरिक प्रसार ब्रेक का इसमें इस्तेमाल हम करते हैं। सुपर गियर के मुकाबले हेलिकल गियर अधिक निर्विहित चलते हैं, ठीक है, मैंने जो आपका सुपर गियर होता है उसके मुकाबले जो आपका हेलिकल गियर होता है ये क्या करते हैं, काफ़ी स्मूथ तरीके से यहाँ पे चलते हैं। नीडल बेयरिंग घर्षण रोधी होते थे। देखिए जो आपके नीडल बेयरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, घर्षण रोधी होते हैं, यानी इसमें जो है किसी भी प्रकार का यहाँ पे घर्षण देखने को नहीं मिलता है। कोटर जोड़ का उपयोग दो एक अक्षीय छड़ों को जोड़ने में होता है। जो आपका कोटर जोड़ होता है तो उसका उपयोग किस लिए करते हैं हम, तो जो अगर माने दो अक्षीय छड़ों को जोड़ने के लिए, ठीक है, दो अक्षीय छड़ों को हम क्या करते हैं उससे जॉइंट करते हैं कोटर जोड़ का इस्तेमाल करके। जोड़ को पकड़ने वाला यंत्र क्या कहलाता है, जॉब को, तो हम कहते हैं उसको वॉइस, वॉइस भी कई भी प्रकार के, तो आपको पता होगा बेंच वॉइस हो गया, पाइप वॉइस हो गया, इस तरह से। पिस्टल के स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं, देखो पिस्टल के स्लॉट जो होते हैं आपके, अगर पूछे आपको कितने प्रकार के होते हैं तो वो कुल मिलाकर तीन प्रकार के यहाँ पे होते हैं। पट्टे में फिसलन के कारण पट्टा चालन का वेगानुपात क्या होता है, कम हो जाता है। आपको पता होगा पट्टे में अगर फिसलन होती है तो क्या होता है, उसमें घर्षण होता है, तो उसके कारण क्या होता है, पट्टा चालन का वेगानुपात, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाती है। बॉल बेयरिंग लुब्रिकेशन फिल्म के टूटने कारण से क्या होती है, असफल होती है, ठीक है, बॉल बेयरिंग में अगर लुब्रिकेशन फिल्म अगर टूट गई तो क्या होती है, वो क्या होती है, असफल हो जाती है, यानी वह निकामी हो जाती है, यानी वो किसी भी काम की नहीं रहती। फिर मैट्रिक प्रणाली में एक सेल में 7 mm अंतर से क्या होते हैं, स्पैनर आते हैं। तो देखिए जब मैट्रिक प्रणाली में क्या होता है, एक सेल में 7 mm के बीच की डिफरेंस में क्या आते हैं, स्पैनर आते हैं। गियर के माप पिच वृत्त व्यास द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि जो आपके गियर के माप हो कैसे प्रदर्शित की जाती है, तो वो प्रदर्शित करते हैं पिच वृत्त व्यास द्वारा, ठीक है। इंजेक्टर का दूसरा नाम क्या है, ऑटोमाइजर, ठीक है, अगर पूछे आपको इंजेक्टर का दूसरा नाम क्या है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोमाइजर। ठोस लुब्रिकेंट ग्रीस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो ठोस लुब्रिकेंट होता है उसे हम ग्रीस के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठोस लुब्रिकेंट। डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय केवल साफ हवा आती है। तो देखिए जो आपका डीजल इंजन होता है जब उसका सेक्शन स्ट्रोक का समय होता है, ठीक है, तो उसके समय क्या होता है, सिर्फ जो आपकी प्योर एयर होती है, ठीक है, वही उसमें आती है, यानी शुद्ध हवा, या फिर उसको बोलते थे हम साफ हवा। टॉप गियर में प्राइमरी वो मेन शाफ्ट चाल समान रहती है, ठीक है, जो आपका टॉप गियर रहता है उसमें क्या होता है, एक तो आपका प्राइमरी और जो मेन शाफ्ट की चाल होती है, ठीक है, प्राइमरी शाफ्ट और मेन शाफ्ट इसकी चाल क्या होती है, बराबर होती है, यानी एक समान होती है। सेल्फ स्टार्टर सबसे अधिक करंट लेता है, देखिए जो सेल्फ स्टार्टर होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक करंट लेता है, क्यों लेता है, तो देखिए अगर मान लो कोई मोटर हो गई तो मोटर का क्या स्टार्ट होने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, करंट की आवश्यकता होती है, अगर एज कम्पेयर टू रनिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है और रनिंग में क्या होता है वो स्मूथली एक बार चलते रहता है, अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो, इसलिए क्या होता है, जो सेल्फ स्टार्टर होता है उसमें सबसे अधिक करंट लेता है वो स्टार्टिंग में। प्लंजर, पैरल, गवर्नर इंडिविजुअल पंप के भाग है। तो देखिए इंडिविजुअल पंप के यहाँ पे तीन भाग में ऐड किए, तो देखिए एक तो आपका प्लंजर हो गया, दूसरा बैरल हो गया और तीसरा यहाँ पे गवर्नर, ये क्या है, इंडिविजुअल पंप के क्या तीन भाग है। ठीक है, जब सिलेंडर में पिस्टन TDC से BDC अथवा जो आपका BDC से TDC तक दूरी तय करती है तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। तो देखिए पूछ लिया जाता है कि आपको स्ट्रोक
किसके और किसके बीच में दूरी तय करता है, तो जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। तो देखिए स्ट्रोक के बारे में मैं आपको पूरा लिख देखे, जब भी आपका सिलेंडर होता है उसमें जो आपका पिस्टन होता है, ठीक है, पिस्टन मानो देखे TDC से BDC या फिर मानो TDC से BDC करे या फिर BDC से TDC करे, दोनों तरफ सीधा करे या उल्टा करे, तो जो उसके बीच की जो दूरी वो तय करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन किसी भी दो चल भागों को आपस में रगड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने ऊपर भी बताया था कि इससे क्या होता है, आपका जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, फ्रिक्शन यानी हम उसे बोलते हैं घर्षण, घर्षण इससे लुब्रिकेशन से नहीं होता है, इसलिए लुब्रिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट को जो मैं आपको पॉइंट नोट किया हूँ तो ये पढ़ के जाएगा, ठीक है, ये काफ़ी कबार पूछे जाते हैं और स्कोरिंग भी एरिया में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और मैं आपके टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए वीडियो में, जय हिंद।